मतलब सबके लिए आसानियाँ करेगी। आजकल ऐसे प्लांट स्पीच थेरेपी में कोक्लियर इम्प्लांट बच्चों के लिए है। सबसे पहले तो आपने जो है, जैसे मैंने हमेशा कहा है, जो भी सिखाएं उसको जनरलाइज जरूर करवाएं। तो आज बेसिक मेन कॉन्सेप्ट रख लेते हैं जी। आपने जनरलाइजेशन करवानी है स्पीच में, जितना बच्चा याद कर चुका है आपने तमाम चीज़ें बच्चे के सामने रखनी है। तो आपने उसके फंक्शंस पूछने हैं। फंक्शन ऑफ द वर्ड मीन्स कि उस चीज़ का फंक्शन क्या है। जैसे कि मशीन का फंक्शन है वो कपड़े धोती है, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन का फंक्शन है जी वो कपड़े सीती है, और जो है किचन जो है मेन जहाँ पे आप जाते हो मसाले वगैरह डाल के क्योंकि कुकिंग करते हो किचन में, तो एक स्पून का फंक्शन क्या है। स्पून से हम खाना खाते हैं, बच्चों को पता होना चाहिए स्पून मुझे वो दे दो। आप स्पून और नाइफ उसके आगे रखें, मुझे वो दे दो जिसे खाना खाते हैं। अगर बच्चे ने फ़ौरन चम्मच उठा के दिया तो देन उसको पता है, जनरलाइजेशन हो चुकी है स्पून के बारे में। अगर नहीं है तो आपने उसे बार बार करवाना है। सिर्फ स्पून करवाने से ये नहीं उसी की वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। ओके जी मेरे बच्चे ने 20 लफ्ज़ याद कर लिए, मेरे बच्चे ने 30 लफ्ज़ याद कर लिए, नहीं। उन 20 और 30 लफ्ज़ों को याद करने के बाद उनका क्राइटेरिया क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनको समझना कैसे है, कितनी जगहों पर इस्तेमाल कर सकता है, ये तमाम चीज़ें भी मैटर करती है। तो उन तमाम चीज़ों पर भी आपको काम करना है। नाइफ, नाइफ से क्या करते हैं, नाइफ से कटिंग करते हैं। क्या कटिंग करते हैं, फ्रूट कटिंग करते हैं, वेजिटेबल कटिंग करते हैं। नाइफ बच्चे नाइफ यूज़ नहीं करते। एक नाइफ के बारे में आपने बच्चे को कितना कुछ बताना है, ठीक है। आपने एक उसकी लिस्ट बना लेनी है उसमें बहुत सी, और जितने कार्ड्स आप पढ़ा चुके हैं जिसमें फंक्शनली कोई वर्ड है ना, जिसके मतलब बनते हैं, आपने उसके बारे में पूछना है कि इससे क्या करते हैं। जैसे काओ हमें क्या देती है, दूध, काओ क्या खाती है, तो ये तमाम चीज़ें आपने उसमें शामिल करनी है। कॉन्सेप्ट देना बेड के बारे में, बेड क्या है, क्या चीज़ है, बेड पर हम सोते हैं। आप कुछ घरों में बेड पर खाना भी खाते हैं, बेड पर पढ़ते भी हैं क्योंकि वन रूम सेटिंग होती है। तो अब उन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जब हम देते हैं ना बेड पर सोते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी बेड पर तो खाते भी हैं, बेड पर सोते भी हैं और बेड पर पढ़ते भी हैं सॉरी। तो आपने ये तमाम चीज़ें भी जो है वो बच्चे को डिफाइन करनी है। इट्स ओके, आप उनके घर में अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो आप उसको उसी तरह समझा दें, इट्स ओके। अदरवाइज जैसे ही उसकी लैंग्वेज डेवलप हो, उसकी समझ अच्छी हो, तो उसे बताएं बेड पर ये सब नहीं करते। उसकी मदर को कहें आप बेड पर बच्चे को मत करवाएं, आप कमरे में इतनी जगह तो स्पेस होगी कि आप उसे दस्तरखान लगा कर अलहदा से बिठाएं और उसे बताएं कि खाना मतलब यहाँ पे खाते हैं, बेड पर सोते हैं और पढ़ते हैं, टेबल छोटा सा दे दें जो उसके आगे रख दें, जो इस पर पढ़ते हैं। कटिंग टूल जैसे कि पहले हो गया नाइफ, कैंची, और जो बच्चे को याद होंगे उनका फंक्शन क्या है और उनकी आज थोड़ा गला ख़राब है, माजर चाहती हूँ। कटिंग टूल जो है वो उसके बारे में भी जो है वो आपने जितने भी आते हैं जो याद हैं उस पर आपने कैंची से क्या करते हैं, छुरी से क्या करते हैं, और पिलर से क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से क्या करते हैं, जो उसको आते हैं उसके बारे में आप पूछें। क्योंकि ये देखें ये तमाम चीज़ें अब आपने खुद बीच में मेंटेन करनी है। और किसी का बच्चा हो सकता है एक हफ्ते में ज़्यादा वोकैबुलरी इन्हेंस कर रहा है, ज़्यादा वोकैबुलरी जो है वो रिटेन कर रहा है, तो मैं जो है वो अगर एक आपको जो है शेड्यूल दूंगी, आपने इस हफ्ते में चार चीज़ें ये भी करानी है, चार ये भी करानी, चार ये भी करानी है, वो बच्चा नहीं कर रहा तो मैं तो अगला लेसन प्लान कर चुकी हूँ। इसलिए वो जो तमाम वो क्राइटेरिया मैंने आप पे छोड़ा हुआ है कि आपने इस वीक में दो एनिमल करवाने हैं, दो ट्रांसपोर्ट करवाने हैं, दो कलर्स करवाने हैं, दो प्रेपोजिशन करवानी है, दो अपोजिशन करवाने हैं, तो एक वीक का आपका प्लान तैयार होता है। वो करवाने के बाद आप नेक्स्ट वीक में दोबारा अगली चीजें ऐड करो। नाउंस कितने करवाने हैं, एडजेक्टिव कितने करवाने हैं, उनको सेंटेंस में कैसे लेके आना है, ये तमाम चीजें फिर आप अगले वीक में ऐड करते जाते हो। इसलिए ये तमाम चीजें आप खुद से प्लीज देख लीजिएगा, अच्छे से बच्चे का आईपी बनाइएगा, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान या प्रोग्राम, जिसमें उसके बच्चे के अकॉर्डिंग आपने, जैसे कि आप स्कूलों में भी देखें, आप नॉर्मल स्कूलों में आपको पता है कि सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर से पहले आपको एक सिलेबस दे दिया जाता है कि बच्चे को ये तैयारी करवानी है। इसी तरह इन बच्चों का आप इजीली आप बना सकते हो। थीम इस दफा आपने रखना है डिनर का और बाथ टाइम का। बाथ टाइम मतलब किस टाइम नहाता है, नहाने में उसे क्या चाहिए, साबुन चाहिए, शावर चाहिए, मतलब सीट चाहिए बैठने के लिए, टॉवल चाहिए, और उसको जो आपने बताना है जी जी उसने जो है वो जैसे दरवाज़ा बंद करना है, दरवाज़ा खोलना है, ये तमाम चीज़ें बाहर टाइम में आते हैं। फिर डिनर टाइम में रात को टेबल पे प्लेट रखो, प्लेट के साथ चम्मच रखो, गिलास रखो, पानी रखो, सबको बुलाओ, आओ खाना खाएं, ये डिनर टाइम है। इस तरह बच्चे से हाउस शोर शुरू करवाया करें, घर के कामों में बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया करें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे की जो है ना लैंग्वेज बड़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। बच्चा फिर खुद से जब काम करता है, सीखता है, वो बड़ा अच्छे से करने लग जाता है।
सेंटेंस जो होते हैं आपने जो लॉन्गर सेंटेंस होते हैं ना वो बोलना शुरू कर देने, उनमें वो जो की फ्रेम है जैसे मैंने बताया था की वर्ड्स बच्चा बना लेता है कि इसमें जैसे मेरा नाम है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मेरा नाम है तो उसके अंदर वो अब बाबा का नाम पूछ रहे हैं, मामा का, भाई का, तो उसको नाम का कॉन्सेप्ट तो पता है, वो उसका की वर्ड है, दूसरा की वर्ड उसके पास आ जाता है बाबा, बाबा नाम, बाबा नाम, मामा नाम, अब ये क्या है, मेरा, किसका, उसके इर्द गिर्द जितने लफ्ज मंडला रहे हैं ना एक सेंटेंस के वो उसको नहीं पता होता, उसने वहाँ से चार लफ्ज चुन लिए होते हैं या दो चुन लिए होते हैं कि ये मेरे की वर्ड्स हैं। और इस तरीके से आपने बच्चे को जो है लॉन्गर सेंटेंस बोलने, जैसे कि जूता उतारो, टेबल के नीचे रख दो और आप बेड पर बैठ जाओ। अब देखो उसको पता है बैट आ गया, बीच में बैट भी आ गया, बैट बैट, उसको पता है बैट पर बैठ जाओ, जूता और उतारो उतार दो और टेबल के नीचे, अब टेबल नीचे समझ आ गया, के नहीं समझ आया उसको, टेबल नीचे उसका मतलब रख दो। अब वो की वर्ड्स उसने उठाए और उसने जो है वो आपकी जो है कमांड है उसे फॉलो किया। कमांड फॉलो करवाना है आपने उसे बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा लॉन्गर जो सेंटेंस बोलने हैं जिनमें कीवर्ड्स बच्चे ने फोकस करने हैं तो वो उस कमांड फॉलोइंग में आ जाता है। पापा की शर्ट अलमारी में रख कर आओ और ब्लू शर्ट लेकर आओ, ठीक है, आपने कमांड भी दी और आपने की फ्रेम्स भी देने हैं उसके साथ। फिर आपने माइंड का कॉन्सेप्ट था बच्चे के पास, जैसे कि ये मेरा है और ये भाई का है वो बोलता था, या ये अफनान का है, ये अली का है, वो हबान का है, नाम से करता था, उसने नाम ख़त्म करवा के आपने बताना है ये मामा का है, ये भाई का है, ये बहन का है, ये दादो का है, ये चचा का है, तो आपने का लगाना है, की लगाना है, के लगाना है, ठीक है, वो ख़त्म कर देना है, ये वो उसका मेरा या तुम्हारा, ये चीज़ें ख़त्म करनी है, ख़त्म नहीं करनी, वो याद कर चुका है, आपने सेंटेंस मेकिंग में उसको आगे बढ़ाना है आप, ठीक है, उसमें वो कहते हैं ना जिद्दत लेके आनी है। आपने बियर का जो कॉन्सेप्ट है बच्चा खुद से क्वेश्चन करे आपसे, जैसे कि मेरी शर्ट कहाँ, मेरी पैंट कहाँ, पैंट कहाँ, रबड़ कहाँ, सेंटेंस पूरा नहीं बोलेगा लेकिन इतना ज़रूर बोल के आपसे पूछेगा, या ये भी पूछता है अक्सर बच्चे किसका कहाँ, तो वो उनको आपने पूरा सेंटेंस आपने उसको प्रोड्यूस करके देना है, बच्चे को बताना है कि ये ऐसे है। साउंड जो है कि स्पीच के लिए जो मैंने शुरू में बताया कि आपने जैसे ह का, प का, थ, ख सारे साउंड देख ले, जिस साउंड पे आपने एक लिस्ट बनानी है वो अपनी तैयार कर लीजिएगा एक वीक की और बच्चे को उस पर काम करवाइएगा। उस साउंड से जितने लफ्ज बनते हैं तो वो तो आपको बड़े आराम से साइड वर्ड्स और सी वी सी वर्ड्स इंग्लिश में मिल जाते हैं। उर्दू के भी इसी तरह आप उर्दू की छोटी क्लासों की बुक्स ले लें, वहाँ से वर्ड्स उठा लें जो जो भी आपने करवाने हैं, तो वहाँ पे भी आपको आ ई ओ ए के साथ जो है वर्ड्स बने हुए मिल जाते हैं, या उर्दू मसौते कहते हैं जिनको, और इंग्लिश में जो है वोवल्स कहा जाता है, तो इन्हीं के साथ मिलके कॉन्सोनेंट वोवल्स के साथ मिलके अल्फाज बनाते हैं, उर्दू में जो है मसौते जो है मिलके दूसरे के साथ अल्फाज बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है टू डू लिस्ट का, प्रीवियस जितना टास्क बच्चा कर चुका है ना आपने उसकी लिस्ट बनानी है, जिस टाइम आपने रिवाइज कराना है ना एक वीक में, आपने देखना मेरे बच्चे ने जी क्या क्या काम किया था, जी कितनी उसने चीज़ों को रिपीट किया है, आपने उस पर लिस्ट बना लेनी है रिपीट किया है, ठीक है, कितने उसने एरर दिए हैं उस काम को करने के लिए और कितनी उसने ट्रायल्स ली हैं, ये आपने लिख लिया, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने लिख ली, तो उसमें आपने सब कुछ इंक्लूड करते जाना है, और जहाँ आपको एरर आ रहे कि इस चीज़ में उसने, और उस चीज़ का नाम जो मतलब ऑब्जेक्ट जिस पे आप काम करवा रहे हैं वो भी क्या है, मतलब अगर कार पे काम करा रहे हैं कार का कलर ठीक बता दिया, कार क्या करती बता दिया, कार नहीं बताया उसने तो वो उसका एरर है, आपने वन काउंट करना है, और आपने अलहदा पेज भी लिख लेना है कि इस हफ्ते इसको नहीं आई, इस पोज है कार तो आ जाता है बच्चे को, सपोज है कि उसको कार का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आपने उसको क्लियर करना है, उसकी मिस्टेक्स को आपने फाइंड आउट करना है, लिखना है और उनको दोबारा रिपीट करके सही करवाना है। ये नहीं है कि अगला सिलेबस आप भी पाकिस्तानी स्कूलों की तरह मोस्ट स्कूलों की तरह सिलेबस कवर करने पे लगे रहे और पिछला बच्चा भूलता जाए तो फिर स्पीच नहीं आएगी, बच्चा जो है वो अल्फाज ही नहीं होंगे तो वो स्पीच कहाँ से लाएगा, अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा ताकि और लोगों की मदद हो सके, और चले सब्सक्राइब नहीं भी करना तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चले कहीं ना कहीं जाएगी और सदका जारिया के तौर पर, आपको भी इसका अल्लाह ताला अजर दे और मुझे भी नवाजे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप दूसरों की मदद करें। तो इंशाल्लाह फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।